hope you all are safe and doing great. So in today's video, I'm going to recreate Aishwarya Rai's Cannes Film Festival inspired makeup look. So thumbnail में तो आपने देख लिया कि Aishwarya Rai कितनी beautiful लग रही है Cannes Film Festival के इस look में. So इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तो इस look को recreate करनी है क्योंकि ये look मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है. ऐसे हर एक look उनके ऊपर बहुत अच्छी जाती है, पर ये look उनके ऊपर बहुत suit की है. तो इसीलिए आज मैं इस look को recreate करने वाली हूँ. So अगर आप लोग interested हो जाने के लिए कि ये look मैंने कैसे recreate की है, then please video को end तक जरूर देखना. And पसंद आए तो इस video को एक like, share and don't forget to subscribe to my channel. Also hit the bell icon so whenever I upload a new video, you will always get a notification. And also you can follow me on my Instagram. मैं link and details नीचे description box में दे दूँगी. So don't forget to check out the description box below. So चलिए guys, without further ado, let's jump into the video. Guys, Purple से मुझे कुछ products receive हुई हैं. बहुत अच्छे-अच्छे products हैं. यहाँ पे makeup and skincare products हैं. इसमें से कुछ products मैंने खुद भी try की हैं. मुझे personally बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं. So इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये सारे products share करना चाहती हूँ. चलिए guys, देख लेते हैं कि Purple ने मुझे क्या-क्या products भेजी हैं. So first I have Purple Bare Beauty Cleansing Balm. So this is the product, guys. Look at the packaging. Isn't it so pretty? So this cleansing balm is really good. ये बहुत ही moisturizing है, बहुत ही easily makeup dirt and oil को remove करते हैं. It's very gentle on skin and it helps to retain skin's natural moisture. And इसका fragrance तो guys, oh my god, क्या बताऊँ? बहुत अच्छा इसका fragrance and it is suitable for all skin types. So definitely ये cleansing balm आप लोग एक बार try कर सकते हो. So second I have Purple Vitamin C Summer Sorbet Moisturizer with Kakadu Plum. So ये एक skin brightening moisturizer है, skin को even out करते हैं, moisturize करते हैं, skin को nourish करने में help करते हैं, skin को sun damage से protect करते हैं, skin को youthful looking बनाने में भी help करते हैं. This moisturizer is suitable for all skin types. कोई भी skin type वाले use कर सकते हो. मेरी तो skin type combination है, मुझे बहुत अच्छा suit की है ये moisturizer. Next I have an interesting product. So this one is Purple Kiwi Lush Fix Face Scrub and Mask. मतलब 2-in-1 product है, face scrub भी है and mask भी है. इसमें है tea tree and niacinamide. I show you the product guys. Look at it. एकदम kiwi जैसा ही है दिखने में, आप लोग देख सकते हो. And इसमें छोटे-छोटे ऐसे granules type है, आप लोग देख सकते हो. मतलब छोटे-छोटे ऐसे beads जैसा है, जिससे आपके फेस को ये बहुत अच्छे से स्क्रब करने में, मतलब एक्सफोलिएट करने में हेल्प करती है. ये तो बहुत अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, पर उसके साथ साथ ये स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करते हैं, स्किन को रिजुविनेट करते हैं, स्किन को सॉफ्ट एंड रेडिएंट लुकिंग बनाने में भी हेल्प करते हैं. जैसे कि इसमें टी ट्री है तो ये स्किन को बहुत ही फ्रेश एंड सूदिंग बनाते हैं. आप इस प्रोडक्ट को 3 तरीके से यूज कर सकते हो. फर्स्ट तो आप इसे एज स्क्रब यूज कर सकते हो, मतलब सिर्फ जैसे हम स्क्रब करते हैं फेस को, उस तरीके से यूज कर सकते हो. सेकेंड आप इसे एज मास्क यूज कर सकते हो, मतलब सिर्फ आपको इस को फेस में इवनली अप्लाई करनी है एंड आपको 10-15 मिनट्स तक इसे छोड़ देनी है ऐसी. देन आपको वॉश कर लेनी है फेस को. एंड थर्ड आप इसे एज फेस मास्क एंड फेस स्क्रब, मतलब दोनों ही एक साथ कर सकते हो. मतलब इसे फेस में एज मास्क यूज कीजिए एंड वंस ड्राई स्प्रिंकल सम वाटर एंड जेंटली स्क्रब. तो ये 3 तरीके से आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो एज पर योर चॉइस. एंड Purple की ये फेस स्क्रब एंड मास्क इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. तो अभी मेरे पास मेकअप के 3 प्रोडक्ट्स है. सो फर्स्ट आई हैव Purple True Jewel 24 Karat Gold Primer. So this is how it looks like. So ये primer face में बहुत ही quickly absorb हो जाते हैं and it's very gentle on skin. ये बहुत अच्छे से fine lines and uneven textures को hide करते हैं and face को बहुत ही smooth soft बनाते हैं for a perfect long lasting base. जैसे कि इस primer में 24 Karat Gold है, it gives your face a soothing sensation and retains its moisture. It's suitable for all skin types but ये rough skin के ऊपर भी बहुत अच्छा work करती है. Next है मेरे पास Purple का एक compact powder with SPF. So this is how it looks like. यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे पफ है एंड दिस इज द कॉम्पैक्ट पाउडर. सो ये कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ही लाइट वेट है, नॉन ड्राइंग है, कंसिस्टेंट शीट है, यूवी प्रोटेक्शन है, अनइवन स्किन टोन को इवन आउट करने में हेल्प करते हैं. दिस कॉम्पैक्ट पाउडर इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स बट ये व्हीटिश स्किन को बहुत सूट करती है. लास्ट जो उन्होंने मुझे सेंड की है गाइज, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लिक्विड लिपस्टिक. सो दिस इज Purple ऑलवेज ऑन मैट लिक्विड लिपस्टिक. लुक एट द कलर गाइज, let me show you the shade. So ये एक न्यूड शेड है गाइज, आप लोग देख सकते हो. बहुत ही प्रिटी सा इसका जो कलर है, बहुत ही प्रिटी है. एंड इसका जो शेड नेम है गाइज, वो है 01 क्रीमी डे कोकोआ. सो ये एक बहुत ही अच्छा हाई पिगमेंटेड लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड मैट लिपस्टिक. ये लिक्विड मैट लिपस्टिक आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है, इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑन लिप्स. इसमें और भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, आप लोग Purple में जाके चेक कर लेना. मैं Purple की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. Purple की ये सारे प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आपको Purple में मिलेगी एंड
बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस में। हर एक प्रोडक्ट के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए गाइस, बिना फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द ट्यूटोरियल। सो फर्स्ट आई एम यूजिंग शुगर ब्लिंग लीडर इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर एंड आई एम इन द शेड 02 पिंक ट्रिपिन। सो ये मॉइस्चराइजर फेस को बहुत ही ड्यूई ग्लोई बनाती है एंड आज के लुक के लिए मैंने इस मॉइस्चराइजर को सिलेक्ट की है क्योंकि नील बेस मुझे ग्लोई एंड ड्यूई चाहिए। द ग्लो ऑन माय फेस गाइस, आप लोग देख सकते हो बहुत ही मतलब ऐसी लग रही है कि मेरी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर। नेक्स्ट आई एम यूजिंग फाउंडेशन, यहाँ पे मैं आज यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 128 वार्म न्यू। इसे मैं डॉट डॉट करके पहले फेस में अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस। नेक्स्ट मैं फिंगर टिप के हेल्प से इसे स्प्रेड कर रही हूँ इस तरीके से। नाउ आई एम ब्लेंडिंग विद अ फाउंडेशन ब्रश, मैं इस तरीके से डैप डैप करके पहले फेस में अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर, माय ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर इन अफोर्डेबल प्राइस एंड आई एम इन द शेड 02 सैंड सेबल एंड इसे मैं अंडर आई में अप्लाई कर रही हूँ, अंडर आई के दोनों कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ एंड नोज के ऊपर फोरहेड में माउथ के दोनों साइड में एंड चिन में। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बैकग्राउंड में आपको थोड़ी बहुत नॉइज मिलेगी सो प्लीज इग्नोर दैट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है बट क्या करे अभी। ऑलराइट, सो सेम फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। सो कंसीलर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर ली एंड अभी इसे सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर का ये ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर एंड इसे मैं इस तरीके से प्लेस करके अप्लाई कर रही हूँ अंडर आई में आईज के ऊपर ताकि कंसीलर में कोई भी क्रीज ना पड़े एंड टी जोन में मैं अप्लाई कर रही हूँ, मतलब बेसिकली जहां जहां मैंने कंसीलर को अप्लाई की है वहां मैं इस पाउडर को लेके इस तरीके से प्रेस करके अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो 10-20 सेकेंड्स मैंने पाउडर को ऐसे ही छोड़ दी थी, अभी मैं इस फ्लफी ब्रश के हेल्प से एक्सेस जो पाउडर है उसे डस्ट अप कर लूंगी। कंसीलर एंड फाउंडेशन एकदम सेट हो गया, आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पाउडर ने सेट की है। मैं यूज कर रही हूँ मिलानी का ये ब्रॉन्जर एंड इससे मैं फेस को थोड़ी सी कॉन्टोर कर लूंगी इस तरीके से डैप डैप करके, इससे बहुत ही अच्छा एक वार्म लुक मिलती है एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये ब्रॉन्जर। नेक्स्ट फॉर ब्लश आई एम यूजिंग के ब्यूटी क्रीम ब्लश एंड आई एम इन द शेड स्वीट हार्ट पिंक एंड इसे मैं फिंगर टिप के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट फॉर हाईलाइटर आई एम यूजिंग मेबलिन मास्टर क्रूम हाईलाइटर एंड आई एम इन द शेड 050 रोज गोल्ड मॉल्टेन। बेस मेकअप को थोड़ी सी सेट करूंगी, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड का ये मेकअप फिक्सर, सो मैं पूरे फेस में इस तरीके से स्प्रे कर रही हूँ। ऑलराइट, सो अभी करेंगे हम लोग आई मेकअप, लेकिन उससे पहले हम कर लेंगे आईब्रो को ड्रॉ। सो यहाँ पे जो मेरे पास पैलेट है, जो पैलेट मैं आज यूज करने वाली हूँ वो है रेवोल्यूशन का ये आई शेडो पैलेट एंड यहाँ से जो ये ब्लैक वाला शेड है इसे मैं पिक करने वाली हूँ आईब्रो को ड्रॉ करने के लिए। सो माई आईब्रोज आर डन, मैंने ऑफ कैमरा में ही आईब्रोज को ड्रॉ कर ली। सो अभी हम करेंगे आई मेकअप, सो पहले मैं पिक कर रही हूँ ये वाला शेड क्रीज के ऊपर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस शेड क्रीज में एंड आउटर कॉर्नर में अप्लाई करने के लिए। Taking same transition shade, I'm blending the edges. ब्रश में बचा कुछ जो प्रोडक्ट है उसे मैं लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मैक इन एक्सट्रीम डायमेंशन 24 आवर काजल आई लाइनर एंड इससे मैं विंग लाइनर क्रिएट करूंगी। सो मैंने छोटू सा विंग एंड थोड़ी सी थिक लाइनर क्रिएट की है जैसे कि ऐश्वर्या जी की थी। अभी मैं मिडिल पार्ट में ये वाला शिमरी शेड को थोड़ी सी अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी लैश लुक मस्कारा, इसे मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ, लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करती है। वेल फर्स्ट एप्लीकेशन में तो मुझे ज्यादा कुछ नोटिस नहीं हुई पर जब मैंने सेकेंड कोट अप्लाई की है उसके बाद मुझे काफी अच्छा लेंथ मिली है एंड काफी अच्छी लग रही है।
इस मस्कारा के ऊपर अगर आप लोग रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो इन डिटेल देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो। सो गाइस फॉल्सेस अप्लाई करके मैंने आई मेकअप को एकदम कंप्लीट कर ली, अभी बाकी है सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करना। सो यहाँ पे मैं एक ब्यूटीफुल सा पिंक शेड लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड मेबलिन एंड आई एम इन द शेड मोर मॉव। सो दिस इज द शेड गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, आप लोग देख सकते हो मैट लिप शेड है ये। ये जो लिपस्टिक मैंने अप्लाई की है ये मैट लिपस्टिक है, उनकी जो लिपस्टिक ना मुझे थोड़ी सी मॉइस्ट लगी, सो इसीलिए मैं क्या करूंगी ऊपर से थोड़ी सी ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी जो लिप शेड है वो थोड़ी सी मॉइस्ट दिखे। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइस, कैसे लगे आप लोगों को ऐश्वर्या इंस्पायर्ड मेकअप लुक, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ लाइक, यू कैन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल ऑलवेज गेट अ नोटिफिकेशन। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।